Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. Guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके गेन के बारे में, गेन एंगल के बारे में. अगर किसी हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है या किसी हाउस की अगर दशा चल रही है आपके मून चार्ट में, आपके लगन चार्ट में, तो आपका कौन सा हाउस ऑटोमेटिकली गेन करता है. यानी नफा और नुकसान, ये दो जो चीज़ें हैं ये हमारी डेस्टिनी के साथ जुड़ी हुई होती हैं. यानी कब हमें नुकसान होगा, कब हमें नफा होगा, कब हमें मुनाफा होगा, इन सब चीज़ों का संबंध आपकी डेस्टिनी से जुड़ता है. तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और उस हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छी है तो आपको कैसे बेनिफिट मिलता है. बिकॉज हाउस प्लेसमेंट देखना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है तो आपका थर्ड हाउस जो है वो ऑटोमेटिकली गेन करता है आपके फर्स्ट हाउस से. फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, आपने थर्ड हाउस से संबंधित कुछ काम किया हुआ है पास्ट में या कर रहे हैं, तो उस काम में आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा. बिकॉज आपका जो फर्स्ट हाउस है वो थर्ड हाउस से 11th अवे है. थर्ड हाउस यानी मीडिया, कम्युनिकेशन, एंकरिंग, टेलीफिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, राइटिंग स्किल्स. अगर ऐसे किसी काम से आप जुड़े हुए हैं और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो आपको उस टाइम गेन होगा. सेकेंड हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो आपका फोर्थ हाउस गेन करता है. सेकेंड हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है तो फोर्थ हाउस का गेन है आपका सेकेंड हाउस. जैसे फर्स्ट हाउस जो है वो गेन है आपके थर्ड हाउस का, फर्स्ट हाउस आपके थर्ड हाउस का गेन है. सेकेंड हाउस जो है वो आपके फोर्थ हाउस का गेन है. सेकेंड हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है और आप फोर्थ हाउस से संबंधित कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, आपने कोई बहुत बड़ा स्कूल खोला हुआ है या एग्रीकल्चर से संबंधित किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, तो जब सेकेंड हाउस के लॉर्ड की दशा चलेगी, फोर्थ हाउस के लॉर्ड की दशा नहीं चल रही है, फिर भी आप गेन कर रहे हैं. गेन ज़्यादा होगा कि गेन कम होगा वो देखना पड़ेगा सेकेंड हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट से, कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, और साथ साथ में फोर्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना होगा. फोर्थ हाउस में, सेकेंड हाउस में अगर राहु केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या फोर्थ हाउस या सेकेंड हाउस के लॉर्ड अगर कंबस्ट हो गए हैं, सन के साथ कहीं पर प्लेस्ड हैं, या सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में है, वक्री पोजिशन में है, तो चीज़ें थोड़ी चेंज हो सकती हैं. लेकिन सेकेंड हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चल रही है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड अच्छी प्लेसमेंट में है और फोर्थ हाउस का लॉर्ड भी अच्छी प्लेसमेंट में है, तो इस पीरियड में आपका जो फोर्थ हाउस है वो गेन करता है, यानी प्रॉपर्टी के थ्रू आप गेन करते हैं. थर्ड हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो आपका फिफ्थ हाउस गेन करता है. बिकॉज थर्ड हाउस जो है वो फिफ्थ हाउस का गेन है. फिफ्थ हाउस यानी क्रिएटिविटी, फिफ्थ हाउस यानी पॉलिटिकल इंटरेस्ट, फिफ्थ हाउस यानी लव एंड रोमांस. जो भी आपका क्रिएशन है उसका संबंध फिफ्थ हाउस से है. थर्ड हाउस की दशा चल रही है, फिफ्थ हाउस की दशा नहीं चल रही है, फिर भी आप गेन कर रहे हैं. फोर्थ हाउस की अगर दशा चलती है, फोर्थ हाउस की अगर दशा चलती है तो आपका सिक्स्थ हाउस गेन करता है. फोर्थ हाउस की दशा चल रही है, सिक्स्थ हाउस गेन करेगा. कैसे गेन करेगा? आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप किसी कंपटीशन में शामिल हैं, तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड की जब दशा चलेगी तो ऑटोमेटिकली आप सिक्स्थ हाउस की चीजों से गेन कर जाएंगे. फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो आपका सेवेंथ हाउस गेन करता है. सेवेंथ हाउस यानी मैरिज, पार्टनरशिप. फिफ्थ हाउस यानी आपका लक. अगर आपने कोई बिजनेस किया हुआ है, किसी पार्टनर के साथ कुछ काम खोला हुआ है, तो आपको गेन होना शुरू होगा जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चलेगी. सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो आपका एट्थ हाउस जो है उसका गेन है सिक्स्थ हाउस. सिक्स्थ हाउस की दशा चल रही है तो आपका एट्थ हाउस गेन कर रहा है. यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी
जो किसी के बाद हमें, किसी के जाने के बाद हमें मिलती है, किसी के देहांत के बाद हमें मिलती है, ऐसी प्रॉपर्टी का गेन हो सकता है जब सिक्स हाउस के लॉर्ड की दशा चले। और सिक्स हाउस का संबंध है लिटिगेशन से, सिक्स हाउस का संबंध है डिजीज से, सिक्स हाउस का संबंध है डेली के काम से। सिक्स हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो एट हाउस से संबंधित चीजों का गेन होता है। आपके लॉस से आपको गेन हो सकता है, आपके लाइफ पार्टनर की सेविंग से आपको गेन हो सकता है, किसी भी ऐसी चीज से आपको गेन हो सकता है अगर सिक्स हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, बिकॉज एट हाउस का गेन है आपका सिक्स हाउस। सेवेंथ हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है, सेवेंथ हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है तो आपके नाइन्थ हाउस को गेन होता है। नाइन्थ हाउस यानी आपका भाग्य, आपके फादर, आपके गुरु, आपकी हायर नॉलेज, डिग्री, डिप्लोमा, कोर्सेज, अगर किसी ऐसी चीज में अगर आप इन्वॉल्व हैं और सेवेंथ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो आपको गेन होना शुरू हो जाएगा। एट हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है तो आपका टेंथ हाउस गेन करता है, बिकॉज टेंथ हाउस का गेन है आपका एट हाउस, टेंथ हाउस का गेन है आपका एट हाउस। आप अगर कोई पब्लिक फिगर हैं, अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, पब्लिक ड्यूटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या ऑलरेडी पहले से इन्वॉल्व हैं और एट हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो आपका टेंथ हाउस जो है वो गेन करेगा, यानी जब भी आप पब्लिक ड्यूटी में जाएंगे आपको काफी गेन होगा। अब उससे ये मतलब नहीं है कि एट हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में है या टेंथ हाउस का लॉर्ड एट हाउस में है, इन चीजों की हम बात नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं आपको, अगर एट हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है तो आपका टेंथ हाउस जो है वो ऑटोमेटिकली गेन करता है, और टेंथ हाउस से संबंधित चीजों में अगर हम इन्वॉल्व हैं तो हम एट हाउस की दशा में गेन करते हैं। नाइन्थ हाउस की अगर दशा चलती है तो आपका इलेवेंथ हाउस गेन करता है। यह है आपका इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस यानी आपकी अर्निंग, इलेवेंथ हाउस यानी आपके फ्रेंड्स, इलेवेंथ हाउस यानी जो भी चीज आप सोचते हो कि भाई मेरे साथ ऐसी चीज होनी चाहिए, मुझे वो चीज मिलनी चाहिए, जो भी आपकी होप्स एंड विशेज होती हैं उसका संबंध इलेवेंथ हाउस से है। और नाइन्थ हाउस की दशा चल रही है, नाइन्थ हाउस यानी आपकी भाग्य, नाइन्थ हाउस यानी आपका भाग्य, आपकी किस्मत। जब किस्मत का साथ मिलता है तो इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली आती है। तो नाइन्थ हाउस की जब भी दशा चलेगी तो आपका इलेवेंथ हाउस गेन करेगा, यानी आपको फायदा होगा। टेंथ हाउस की अगर दशा चलती है तो आपका ट्वेल्थ हाउस गेन करता है, बिकॉज ट्वेल्थ हाउस का गेन जो है आपका टेंथ हाउस है। आप अगर कोई पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक ड्यूटी करते हैं तो आपके ट्वेल्थ हाउस को गेन होता है। ट्वेल्थ हाउस यानी आपकी सोच, जो भी आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में जाके सोचते हैं, जो भी आप अकेले में रह के कुछ करते हैं, जैसे आप अपने स्टूडियो में काम करते हैं, आप किसी लेबोरेटरी में काम करते हैं, आप कोई फैंटेसी राइटर हैं, कोई आर्टिस्ट हैं, कोई पेंटर हैं, आप चीजों को इमेजिन करते हो, चीजों को सोचते हो, तो जो भी आप इमेजिन कर रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी चीज आप फंडसाइज कर रहे हो, या आप कहीं विदेश में ऑलरेडी पहले से सेटल्ड हो या जाने की तैयारी कर रहे हो और टेंथ हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है तो आपको गेन होगा, बिकॉज टेंथ हाउस जो है ये ट्वेल्थ हाउस का गेन है। ट्वेल्थ हाउस यानी आपकी सोच, जो चीज आप इमेजिन कर रहे हो, और टेंथ हाउस यानी उसका गेन। इलेवेंथ हाउस की अगर दशा चलती है तो इलेवेंथ हाउस जो है आपके फर्स्ट हाउस से गेन करता है, यानी फर्स्ट हाउस का जो गेन है वो है इलेवेंथ हाउस। इलेवेंथ हाउस की दशा चल रही है, फर्स्ट हाउस से संबंधित चीजों में आप शामिल हैं, आप कोई पब्लिक फिगर हैं, आप किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं जहां पर आपको अपनी एनर्जी को यूज करना पड़ता है, जैसे जिमिंग हो गया, एक्सरसाइज हो गई, या कोई ऐसा काम आप करते हैं जहां पर आपको पब्लिक के सामने आना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी को लेके, अपनी इमेज को लेके। इलेवेंथ हाउस की दशा चल रही है तो आपको अपनी पर्सनालिटी के थ्रू गेन होगा,
यानी जो भी आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आपका व्यक्तित्व है, जैसे भी आप दिखते हो, जैसे भी आप पब्लिक को दिखाई दे रहे हैं, आप जो भी हैं, उन सब चीजों के थ्रू आपको गेन होगा जब 11th हाउस के लॉर्ड की दशा चलेगी। 12th हाउस के लॉर्ड की अगर दशा चलती है, 12th हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है, तो 12th हाउस जो है वो सेकंड हाउस का गेन है। सेकंड हाउस का गेन 12th हाउस, 12th हाउस की दशा चल रही है, आप सेकंड हाउस की चीजों में इन्वॉल्व हैं, आप मनी सेव करते हैं, पैसा सेव करते हैं, फैमिली वैल्यू आपकी बढ़ी हुई है, काफी नॉलेज आपने गेन की हुई है, तो जब ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आपका 12th हाउस जो है वो गेन करता है। यानी जो भी आपकी हिस्टोरिकल नॉलेज है, जो भी आपने नॉलेज या ज्ञान या पैसा, जो भी चीज आपने इकट्ठा किया हुआ है, सेकंड हाउस यानी चीजों को इकट्ठा करना, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लिक्विड मनी हो, कोई भी चीज जो आप इकट्ठा कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, उसका संबंध है सेकंड हाउस से। तो 12th हाउस का संबंध है प्लेजर से। तो ऑलरेडी आपके पास ऐसी चीजें हैं, तो उनके कारण आपको आपका प्लेजर मिल सकता है, यानी आप सुखी हो सकते हैं। या आप विदेश में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, 12th हाउस के लॉर्ड की दशा चल रही है, तो आपका सेकंड हाउस जो है वो 12th हाउस के थ्रू गेन करता है। यानी 12th हाउस जो है वो सेकंड हाउस का गेन है, राइट? सो गाइस, मामला थोड़ा सा टिपिकल था, बिकॉज जो चीज मैंने आज आपको बताई है वो थोड़ी सी डिफरेंट चीजें हैं और इनको आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी चीजें आपको क्लियरली समझ पाएंगी। सो गाइज, अगर आपके बर्थ चार्ट में भी अगर कोई योग चल रहा है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।